सो गाइस देख सकते हो आप, सेलेरियो का एक्सीडेंट हुआ है वैगनर के साथ और ये काफ़ी डैमेज हो गई है गाड़ी। और बता रहे हैं कि बंदा ड्रिंक किया हुआ था, वैगनर वाला। सो मारुति की बिल्ड क्वालिटी सारी खुल गई पूरी गाड़ी खोल दी है। सो आप देख सकते हो रोड पे, और वो वाली गाड़ी वहाँ पे जाके लगी है। देखते हैं उस गाड़ी को भी एक बार। देख सकते हो रेड कार जो है वहाँ पे डैमेज हुआ एक्सीडेंट, और कंट्रोल में नहीं आई ये कार और यहाँ पे पहुँच गया ये बंदा। और इसका डैमेज भी चेक करते हैं आगे से क्या हुआ। बाप रे बाप, सो एज यू कैन सी ये फ्रंट साइड जो है इसका भी डैमेज हो गया है। ये पिलर पे लगा के ना, ये पिलर पे लगा है। सो लुक एट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ मारुति सुजुकी, ये कंडीशन है गाइस। अगर आप मारुति का गाड़ी लेते हो तो ऐसे हालात होते हैं। सो दोनों गाड़ियों का डिस्टेंस देखो आप, ये यहाँ पे यहाँ से आ रही थी ये रेड वाली, और ये ग्रे वाली जो है ये रास्ते से आ रही थी, और दोनों का यहीं पे जाके फ्रेंडशिप हुई, और फ्रेंडशिप करते ही वो वहाँ पहुँच गया शमशान घाट में। शमशान घाट में पहुँच गया वो वाला बंदा और ये बेचारा रेड कार वाला। इसकी गलती नहीं है रेड कार वाले की, सेलेरियो वाले की, ये वैगनार का पूरा किया धरा है। और दोनों की बिल्ड क्वालिटी देखो, सेलेरियो को तो कुछ है ही नहीं, ऐसे लग रहा है कि पेपर जोड़ दिए गए, और वैगनार तो सेम वैसा ही है दोनों, तो आपके सामने है। तो बेसिकली बात यही थी, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करनी थी। दोनों गाड़ियों का हालात देख लिया आपने, और मारुति सुजुकी लेने से पहले हमेशा चार बार सोचें, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। थैंक यू सो मच। Then